वेरी गुड मॉर्निंग डियर प्रशिक्षु, मैं डॉक्टर सोनू भारती, प्रवक्ता मनोविज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जौनपुर, विषय वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। जिस प्रकरण के ऊपर हम बात करने वाले हैं, बचपन छीनता बाल श्रम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। तो हम बात करते हैं बचपन छीनता बाल श्रम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक के ऊपर। तो इसमें देखते हैं इसके प्रमुख शिक्षण बिंदु जो हैं उस पर हम नज़र डालते हैं। तो क्या क्या है, पहला है बाल श्रम का अर्थ एवं परिभाषा के ऊपर हम बात करेंगे, बाल श्रमिकों की समस्याओं के ऊपर बात करेंगे, बाल श्रम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक क्या क्या हैं और बाल श्रम के उन्मूलन के क्या क्या उपाय हैं। इन चार पांच टॉपिक पे हम बात करेंगे आपसे। तो आइए हम बात करते हैं बचपन छीनता बाल श्रम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक क्या क्या है। तो व्यक्ति को बाल्यावस्था में सबसे अधिक सहायता संरक्षण एवं देखभाल के साथ साथ प्रेम सहानुभूति एवं सुरक्षा की आवश्यकता होती है ताकि उसका संतुलन एवं सर्वांगीण विकास हो सके। किसी भी देश के बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति उस राष्ट्र के वर्तमान एवं भविष्य के स्वास्थ्य की सूचक होती है। जिसे अब्राहम लिंकन का मानना है कि यह एक बच्चा ही है जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यों को भविष्य में पूरा करेगा। वहाँ पर बैठने जा रहा है जहाँ पर व्यक्ति आज विराजमान है और व्यक्ति के चले जाने पर बच्चा ही उसके द्वारा महत्वपूर्ण समझी जाने वाली क्रियाओं को संपन्न करेगा। वह व्यक्ति द्वारा अपनाए गए समस्त नीतियों को लागू करेगा। वह व्यक्ति द्वारा बनाए गए शहरों में, प्रदेशों में व राष्ट्रों को नियंत्रण करेगा तथा इनका स्वामित्व का ग्रहण करेगा। इसी को और हम बात करते हैं तो और उन्होंने कहा है कि वह व्यक्ति द्वारा रचित पुस्तकों के विषय में निर्णय लेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रशंसा तथा निंदा करेगा। इस प्रकार मानवता का भाग्य बच्चों के भविष्य में है। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते हैं कि यदि हमें इस विश्व में वास्तविक शांति की स्थापना करनी है एवं युद्ध के विरुद्ध वास्तविक लड़ाई छेड़नी है तो हमें बच्चे से प्रारंभ करना पड़ेगा। यदि उनका विश्वास उनकी प्रवृत्ति के अनुसार होगा तो हमें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, हमें अर्थहीन आदर्श प्रस्ताव नहीं पारित करने पड़ेंगे और हम प्रेम से प्रेम, शांति से शांति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। इस प्रकार जो है और लास्ट में वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मैं देश के हर बच्चे की आंखों में हिंदुस्तान के भविष्य की तस्वीर देखता हूँ। आज के बच्चे ही कल के जिम्मेदार नागरिक होंगे, भारत के भाग्य विधाता होंगे। इन विचारों की धारणाओं के विपरीत न केवल भारत बल्कि संसार के सभी देशों की एक ज्वलंत सामाजिक समस्या बाल श्रम की है। बाल श्रम मानवता के नाम पर कलंक है तथा नौनिहालों के लिए अभिशाप है जो उनसे उनका बचपन छीन रहा है। अब बात करते हैं बाल श्रम का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में। तो बाल श्रम और परिभाषा के बारे में हम बात करते हैं तो जिसमें अपनी आयु का 14वां वर्ष पूरा नहीं किया हो और किसी दूसरे व्यक्ति के पास मजदूरी या लेकर या बिना मजदूरी के कार्य कर रहा है। तो बाल श्रम की प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं। बाल श्रम निषेध अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष की आयु से कम उम्र के बालक द्वारा किसी खतरनाक उद्योग, खान कारखाने आदि में किए जाने वाला कार्य जोखिमपूर्ण बाल श्रम कहलाता है। भारतीय जनगणना में दी गई परिभाषा के अनुसार हम बात करें तो एक बाल श्रमिक वह है जो दिन का बड़ा हिस्सा शारीरिक श्रम करने में लगाता है तथा 14 वर्ष से कम आयु का होता है। इन परिभाषाओं के बाद मीनाक्षी अग्रवाल जी कहती हैं कि बाल श्रमिक 14 वर्ष तक
के बेसहारा अथवा शोषित बच्चों की वह श्रेणी है जो अपने या कुछ दूसरों के लिए आजीविका उपार्जित करने के लिए बाध्य तथा उनके द्वारा किया जाने वाला श्रम अनियमित और साधारणतया गैरकानूनी होता है। उपर्युक्त परिभाषाओं से निकल के आता है कि वह बालक जो अभी 14 वर्ष का नहीं हुआ है अर्थात 13 वर्ष 364 दिनों तक का है, मजदूरी के लिए श्रम करता है तो वह बाल श्रमिक है। इस आयु के बालकों द्वारा किए जाने वाला श्रम गैरकानूनी है। यह बालक बेसहारा व शोषित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। साधारणतया सस्ती मजदूरी के लिए बाल श्रमिकों को सेवा नियोजित किया जाता है। जनवरी 2000 में विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक लगभग 6 करोड़ बाल श्रमिक भारत में है, जिसमें 1.4 करोड़ बंधुआ बाल श्रमिक भी सम्मिलित हैं। अब हम बात करते हैं बाल श्रमिकों की समस्याओं के बारे में। तो बाल श्रमिकों की समस्याओं के बारे में हम बात करते हैं, इसमें है स्वास्थ्य समस्या, शिक्षा समस्या, आर्थिक समस्या, भावनात्मक व मानसिक शोषण, स्व की कमी, अपराधी व्यवहार, वैयक्तिक विघटन, बाल श्रमिकों का सामाजिक विघटन, इस टाइप के आप बाल श्रमिकों की समस्याएं बताई गई हैं। अब बात करते हैं बाल श्रम के निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक। तो इसमें क्या क्या बाधक है हम बात करते हैं। भारत सरकार ने बाल श्रम उन्मूलन हेतु अनेक पहल की है। संवैधानिक प्रावधानों, विभिन्न अधिनियमों, विभिन्न समितियों द्वारा गुरुपता स्वामी समिति, हरबंश समिति, सनत मेहता समिति, सिंधवी समिति, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 आदि के माध्यम से बाल श्रम के उन्मूलन का प्रयास किया गया है। सरकार की इस कड़ी में एक बड़ी पहल निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का बच्चों का अधिकार है। अधिनियम 2009 में जो इसे पूर्व संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार लिए जाने को कार्यरत प्रदान किए जाने से संबंधित है। इस अधिनियम के माध्यम से सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही भारत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के दायरे में लाया गया है, लेकिन बाल श्रमिक बच्चे इस शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। बाल श्रम के कुछ निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक है, इसके लिए हम आपसे बात करते हैं। पहला है आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, निर्धनता यानी गरीबी के कारण, आपकी पारिवारिक दशाएं, अशिक्षा, गैर संवेदनशीलता शिक्षा प्रणाली, वित्तीय असमियता, कानूनी दोष, उत्पादों में स्वार्थ, इन सबों के कारण बाल श्रम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक हो रही हैं। अब बाल श्रम के उन्मूलन के क्या क्या उपाय हैं उस पर हम बात करते हैं। तो बाल श्रम से जुड़े बच्चों के माता पिता को प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से जागरूक और उत्तरदायित्वपूर्ण बनाया जाना आवश्यक है। विज्ञापन और प्रचार के माध्यम से जनसभाओं को प्रेरित कर संवेदनशील बनाया जा सकता है। जन सहयोग एवं जन चेतना द्वारा इस बुराई को समाप्त करने में सहायता प्राप्त की जा सकती है। बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। ऐसे बाल श्रमिक जो निश्रित हैं, जिनके लिए अलग आश्रमों की स्थापना करके उनकी स्थिति को सुधार कर शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा सकता है। धन्यवाद। अगली टॉपिक में हम आपसे बात करेंगे जनसंख्या से ऊपर।